सांपों को देखकर डर जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दुनिया में मात्र कुछ 5% जहरीले सांप हैं और वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इंसान की रूह कांप जाए। उनमें से दो सांप जो दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीले और प्रचलित सांप हैं, उनका नाम है किंग कोबरा और ब्लैक मामा। किंग कोबरा एशिया में पाया जाता है जबकि ब्लैक मामा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेज भागने का खिताब भी ब्लैक मामा के नाम है। ये इतनी तेज रफ्तार से भागता है कि इसके काटने के पश्चात इसको देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्या हो दोस्तों, जब एशिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सांप यानी कि किंग कोबरा का और ब्लैक मामा का आमना सामना होगा, तो चलिए जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं किंग कोबरा से। आपको बता दें, किंग कोबरा कोबरा प्रजाति का राजा होता है। ये और सांपों की अपेक्षा काफी बड़ा और विशालकाय होता है। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होने का खिताब भी किंग कोबरा के नाम पर है। इसकी लंबाई 18 से लेकर 20 फीट तक हो सकती है। साथ ही यदि बात करें इसके वजन के बारे में, तो इसका वजन लगभग 6.5 किलो के आसपास होता है। हालांकि ये उससे भी भारी देखे गए हैं। किंग कोबरा दुनिया में एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बना के रहते हैं। ये काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और साथ ही किसी पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये अपनी पूंछ के बल पर जमीन से 6 फीट ऊपर तक अपने फन को उठा सकते हैं। जहां और जहरीले सांप केवल रात को ही शिकार पे निकलते हैं, तो वहीं किंग कोबरा दिन के समय शिकार करने में अधिक सक्रिय होता है। किंग कोबरा का मुख्य आहार दूसरे सांप होते हैं। ये दूसरे सांप तथा अपनी ही प्रजाति के सांपों को खाने से भी पीछे नहीं हटता है। अब बात करते हैं ब्लैक मामा के बारे में। आपको बता दें, मामा प्रजाति में 4 सांप होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लैक मामा होता है। ब्लैक मामा की रफ्तार धरती पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साथ ही यदि लंबाई की बात करें तो किंग कोबरा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला और लंबा सांप यही है। इसकी लंबाई 12 से लेकर 14 फीट तक हो सकती है। साथ ही यदि बात करें इसके वजन के बारे में, तो इसका वजन लगभग 2 किलो से लेकर 3 किलो तक हो सकता है। ब्लैक मामा किंग कोबरा की तरह घोंसला बना के नहीं रहते हैं, ये पेड़ों पे या झाड़ियों के अंदर छिपकर रहते हैं। ये तो थे इन दोनों सांपों के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट। वैसे तो इन दोनों का आमना सामना होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि एक सांप एशिया में पाया जाता है तो दूसरा अफ्रीका महाद्वीप पर। लेकिन शोधकर्ताओं ने इनके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया और पता लगाया कि कौन होगा विजेता। आपको बता दें, दोनों ही सांप न्यूरोटॉक्सिन जहर से भरपूर होते हैं। हालांकि किंग कोबरा की अपेक्षा ब्लैक मामा का न्यूरोटॉक्सिन वेनम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें कई और भी तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। शोधकर्ताओं ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक बड़े से डब्बे के अंदर किंग कोबरा और ब्लैक मामा दोनों सांपों को डाल दिया। थोड़े समय के पश्चात जब वो डब्बा खोला गया तो उसमें केवल एक ही सांप बचा हुआ था और वो सांप था किंग कोबरा। वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि ब्लैक मामा किंग कोबरा पे ज्यादा जहरीला है। फिर भी ब्लैक मामा किंग कोबरा का शिकार बन चुका था और किंग कोबरा पूरा का पूरा ब्लैक मामा सांप को खा चुका था। तो शोधकर्ताओं के गहन शोध के पश्चात ये पता चला कि किंग कोबरा को किसी भी दूसरे जहरीले सांप के जहर का असर नहीं होता है, क्योंकि किंग कोबरा ने एशिया में इतने सारे जहरीले सांपों का शिकार किया होता है कि उसने दुनिया के किसी भी महाद्वीप पर पाए जाने वाले सभी सांपों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली होती है। यही एक मुख्य कारण है कि ब्लैक मामा का जहर किंग कोबरा पर असर नहीं करेगा। और फिर आप लोग तो जानते ही हैं, जब ब्लैक मामा का जहर किंग कोबरा पर असर नहीं करेगा, तो किंग कोबरा शारीरिक रूप से तो ब्लैक मामा से काफी ज्यादा विशालकाय, काफी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। वो ब्लैक मामा को आसानी से अपना शिकार बना लेगा। तो दोस्तों, इस मुकाबले में जीत का ताज किंग कोबरा के पास रहेगा, यानी कि इस मुकाबले का विजेता होगा किंग कोबरा। वीडियो चलेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जुड़ बताइएगा। आपको क्या लगता है, किसको होना चाहिए था विजेता?